हेलो स्टूडेंट, मैं सुशांत गुरुकुल एकेडमी से आपके लिए एक आज नई सीरीज लेके आया हूँ साइंस, जिसमें हम आज फोर्स यानी बल बल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बल के बारे में। तो फोर्स क्या होता है? पहले फोर्स हम जानते हैं किसी भी चीज़ को खींचना या धक्का देना कहलाता है फोर्स। फोर्स जैसे आपने कोई भी है गाड़ी है जिसको हम धक्का दे रहे हैं और वो धक्का देने से पीछे जा रही है तो वो क्या हो गया? फोर्स लग रहा है। या किसी भी चीज़ को आप खींच रहे हैं अपनी तरफ वो फोर्स बल हो गया। तो फोर्स को हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, टू पुल और पुश अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी बॉडी को खींचना या धक्का देना कहलाएगा आपका फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन इसकी एसआई यूनिट होती है और इसको हम फॉर्मूले के टर्म में पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास बॉडी जिसमें भी कितना भी वेट हो, कोई भी वेट हो, उसको हम मास बोलते हैं। किसी का भार जैसे किसी बॉडी का 5 kg वजन है तो उसका मास कितना हो गया? 5 kg। एक्सीलरेशन बॉडी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चल रही है वो क्या कहलाएगा आपका? एक्सीलरेशन। और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब हम फोर्स के कुछ एप्लीकेशंस जानते हैं। फोर्स क्या क्या चीज़ कर सकता है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदल सकता है। स्टेट का मतलब क्या हो गया? कोई बॉडी चल रही है, आप मान लीजिए एक मैराथन में दौड़ रहे हैं, तो आप जैसे चल रहे थे दौड़ रहे थे, आपकी बॉडी किसमें हो गई? मोशन में। आपके पॉइंट चेंज हो रहा है, एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपका पॉइंट चेंज हुआ। अब आपको मान लीजिए अचानक कोई आके रोक देता है, रुक जाइए, तो आप क्या करेंगे? आप वहीं पे रुक जाएंगे। तो क्या हुआ? आपकी स्टेट में चेंज आ गया, किसी ने आप पे बल लगाया। आप मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, तो बहुत तेज चल रही है, सामने से अचानक से एक बूढ़ी औरत लाठी लेके आ रही है, धीरे धीरे चल रही है, और गाड़ी में आपने उनको देखा और तुरंत आपने ब्रेक लगाई। तो यहाँ ब्रेक क्या कर रही है? आपकी गाड़ी में फोर्स लगा रही है। तो ब्रेक लगने से वो गाड़ी क्या हो गई? जो मोशन में थी वो रेस्ट में आ गई। अब मान लीजिए पहाड़ पे एक पत्थर रखा हुआ है, आप उस पहाड़ पे क्लाइंबिंग करते हुए चढ़ गए ऊपर। अब चढ़ गए भाई, आपने सोचा, आपके मन में मस्ती सूझी, अब आप क्या करेंगे? आप उस बॉडी को उसको धक्का देना चाहते हैं, तो आप धक्का देंगे, तो पत्थर किस में रखा था? रेस्ट में। अब आपने उसको धक्का दिया तो वो किस में हो गया? आगे मोशन में। तो ये हो गया बॉडी की स्टेट का चेंज होना। नेक्स्ट आता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन मतलब आप किस दिशा में हैं। फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करता है। आप लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे, क्रिकेट में मारा धोनी ने, ये मारा सिक्स हेलीकॉप्टर शॉट। अब उस हिसाब से माने तो फोर्स है, आप बॉलर ने बॉल डाली है, तो धोनी क्रीज पे खड़ा था और बॉलर ने जैसे ही बॉल डाली तो बॉल तो सामने से आ रही है, अब धोनी उसको किधर मारेगा? स्ट्रेट ड्राइव मारेगा, लॉन्ग मारेगा या ऑफ साइड में मारेगा? तो वो धोनी क्या कर रहा है, उस बैट से उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन चेंज कर रहा है, स्टेट से वो इधर से या उधर की तरफ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये हो गया बॉडी कैन की डायरेक्शन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट होता है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। अब भाई घर पे सभी लोग रोटियां तो खाते होंगे, अब भाई रोटियां खाते हैं तो अब ये पता है मम्मी कैसे उन रोटियां बनाती? तो क्या होता है, आटा जो हमारा डग बोलते हैं उसको आप मम्मी उससे लोई बेलती हैं, तो पहले वो होती है गोल, अब फिर जब उसको बेलन होता है, मार भी खाई होगी बहुत कभी किसी दिन बेलन से, तो भाई उस बेलन से जब मम्मी वो रोटी बेलती हैं तो उसका वो क्या होता है, राउंड होती है, राउंड के बाद बिल्कुल चपटी हो जाती है रोटी। तो क्या हो गया, उसकी शेप में चेंज आ गया, यही कहलाता है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अब फोर्स के टाइप जानते हैं। फोर्स क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब हम लोग जानते हैं हमसे जो जुड़े हुए होते हैं, तो वो फोर्स जो किसी के संबंध से लगे तो वो क्या कहलाती है, कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट होती है जो बिना किसी के छुए या बिना किसी से कॉन्टैक्ट किए वो फोर्स लगाई जाए, वो क्या कहलाती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। धन्यवाद।